तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग फेसबुक के पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले आपके फेसबुक के पेज पे चले जाइए। आपके फेसबुक का पेज स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप ऊपर राइट में तीन लाइन जो दिख रही है यहाँ पे क्लिक करिए। ये क्लिक करने के बाद आपको जो भी पेज है आपके यहाँ पेज यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आप उस जिस पेज को आप डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप पेज वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए अब आप आपके पेज में आ गए हैं। अब आपको डिलीट करना है तो आप ये देखिए ऊपर ये माय पेज दिख रहा है, माय पेज के नीचे ओवरव्यू एड्स नोटिफिकेशन दिख रहा है, आप उसको उसे राइट में सा करकाइए तो यहाँ पर एक आप मोर दिखाई दे रहा होगा, आप मोर पर जाइए, मोर पर क्लिक करिए। मोर पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको एक पेज कंट्रोल दिख रहा है, पेज कंट्रोल के अंदर आपको जो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स का, आप उस पर क्लिक करिए। आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल है, पेज इन्फो, मैसेजिंग वगैरह। तो इन सब में आपको जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है जनरल वाला सेक्शन, आप उस पर क्लिक करिए। ये देखिए तो ये पेज में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस पेज में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक दिखाई देगा ऑप्शन रिमूव पेज, तो इसके नीचे देखेंगे परमानेंट डिलीट माई पेज। मैं इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, ये अगर आपको पूछेगा भी डिलीट करना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, क्योंकि बोला कि अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया तो आपको ये वापस मिलेगा नहीं, ठीक है, आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ भैया मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने यहाँ पर डिलीट पेज पर क्लिक कर दिया। अब आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपका पेज डिलीट हो गया है। इस प्रकार आप आसानी से आपके पेज को डिलीट कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको कुछ दिनों तक आपको उस पेज पर यूज़ नहीं करना है, एक्सेस नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको 14 डेज के अंदर आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं डिलीशन को। थैंक यू।